سعودي؟ لا هندي. अगर कुछ शक नजर आया तो रोक के ना पूछते हैं कि आपका अकामा दो, आपका लाइसेंस दो बोल के। रियाद पार्क की जो है लाइटिंग भी शुरू हो चुकी है, ऊपर जो है आप लोगों के दिख रहा होगा छोटी छोटी लाइट जलती हैं। 3:30 बजे ऐसा कुछ सोया मैं, और सुबह में 5:30 बजे का अलार्म रखा, यानी कि 2 घंटे टाइम सोया बस। ट्रैफिक है ना अभी तक ऐसे ही जम रही है, अभी ट्रैफिक कुछ कम नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अभी जो टाइम हो रहा है यानी कि 6:25 हो रहे हैं अभी, और मेरी है ना आंख खुल नहीं रही थी क्योंकि रात में लगभग कितने बजे 3:30 बजे ऐसा कुछ सोया मैं, और सुबह में 5:30 बजे का अलार्म रखा, यानी कि 2 घंटे टाइम सोया बस। उसके बाद रेडी हुआ, रेडी होने के बाद वहां से निकलने तक 6:05 हो गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए वहां से व्लॉग मैंने शुरू नहीं किया, यहीं से शुरू कर रहा हूँ। और अभी निकल रहा हूँ मैं जुल्फी के लिए, और अभी भी है ना मलिक फहद पे थोड़ी बहुत ट्रैफिक है, सुबह सुबह लगभग 6:30 बज रहे हैं, अभी भी थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक है, नहीं तो इतने टाइम तक है ना ट्रैफिक नहीं रहती है, बस हल्की सी ट्रैफिक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं यहाँ से सफर जुल्फी का, और ये देखिए मलिक फहद की रोड पे कितनी गाड़ियां चल रही है अभी भी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली है ना सुबह सुबह में इतनी ट्रैफिक होती नहीं, होती है आम टाइम पे जब स्कूल रहती है ऐसे टाइम पे सब रहती है, लेकिन आज स्कूल नहीं है तो फिर भी है ना इतनी ट्रैफिक है पता नहीं क्यों। और अभी जो टाइम हो रहा है, एक बार आप लोगों को गाड़ी में टाइम बताता हूँ, ये देखिए 6:26 हो रहे हैं अभी, तो ट्रैफिक देखिए अभी कैसे नजर आ रही है अभी भी। और मेरी गाड़ी में ना अभी भी झंडा, जो बोनेट पे मैंने झंडा लगाया हुआ था, फ्लैग लगाया हुआ था, वो अभी भी देख सकते हैं आप सब लोग, हिल रहा है वहां पे। तो चलिए अभी यहाँ से निकलना है मेरे को, पता नहीं अभी शायद मैं लगभग आधा घंटा मैं लेट हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे को कहा था कि 8 बजे तक वहां पे पहुंचने के लिए, लेकिन मैं 8 बजे तक वहां पे पहुंच नहीं सकता क्योंकि मैं वहां से घर से ही लेट निकला, इसीलिए नहीं पहुंच सकता। अभी देखिए जी, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक है ना सुबह के 6:30 बज रहे हैं, फिर भी यानी कि रात में इतना जागने के बावजूद लोग है ना, लगभग हम जब घर पे गए ना हमारे को 3 बज रहे थे, तीन बज रहे थे, तब भी है ना पूरे रास्ते पे यानी कि मलिक फहद पे, मलिक अब्दुल्ला पे, और तुर्की बिन अब्दुल अजीज पे, और तमामा रोड पे, और कहाँ पे थी, तकासुसी पे, ये मैंने पूरे रोड घूम लिए, यहाँ पे सब जगह है ना ट्रैफिक ही ट्रैफिक थी। जब मैं वापसी के लिए जा रहा था यहाँ पे ना रिटर्न के लिए मलिक फहद पे ना बहुत सारी ट्रैफिक थी, जब मैं घर जा रहा था वो रास्ता खाली था, जैसे कि लेफ्ट साइड में जो गाड़ियां जा रही है ना उस तरफ का रास्ता जो है खाली था, लेकिन जो अभी मैं जा रहा हूँ वो रास्ता जो है ना फुल ट्रैफिक से जाम था। और अभी भी देखिए सुबह में मैं निकल रहा हूँ और अभी भी मेरे को ट्रैफिक नजर आ रही है, पता नहीं मैं जुल्फी कब पहुंचूंगा। जब जुल्फी पहुंचूंगा वहीं पे आप लोगों को टाइम बताऊंगा, क्योंकि है ना फिर बीच में मैं ज्यादातर गाड़ी रोकता हूँ क्योंकि अभी मेरे को नींद पूरी नहीं हुई है, तो मेरे को जाहिर सी बात है बीच में गाड़ी रोक के जानी पड़ेगी, इसीलिए चलिए सीधा है ना मैं जुल्फी में आप लोगों को टाइम और जुल्फी आने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में जो कोई भी नया आया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। जुल्फिया के जो सामान पीछे आप लोगों को दिख रहा है, सामान ले लिया, सामान लेके वापस निकल रहा हूँ रियाद के लिए। और अभी जो टाइम हो रहा है 9:23 हो रहे हैं, एक बार आप लोगों को गाड़ी में बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 9:23 हो रहे हैं अभी। तो चलिए फ्रेंड्स सीधा है ना अभी मिलते हैं हम लोग रियाद में, उससे पहले ना यहाँ पे एक राउंड अप है मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ, देख लीजिएगा
कितना बड़ा राउंड अप है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये देखिए जी, ये जुल्फी का राउंड अप यानी कि यहाँ पे दवर बोलते हैं। देखिए जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा दवर है। अभी मैं रियाद के लिए निकल रहा हूँ। फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए रियाद के तफ्तीश के पास, यानी कि रियाद को एंटर कर रहे हैं अभी हम लोग। ला हिंदी शुक्रिया। फ्रेंड्स अभी जो है ना मेरे को यहाँ पे तफ्तीश पे रोका गया था और पूछा, बस लाइसेंस पूछा और अकामा पूछा, देखा उसके बाद छोड़ दिया। बस इतना सा प्रोसेस होता है अगर कहीं पे रोका या कुछ यानी कि कुछ शक हुआ उनको तो कभी रोकते हैं कभी नहीं रोकते हैं। अगर कुछ शक नजर आया तो रोक के ना पूछते हैं कि आपका अकामा दो आपका लाइसेंस दो बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिखाया, दिखाने के बाद बोला कि ठीक है आप जा सकते हो। तो अभी हम अंदर एंटर कर रहे हैं रियाद के, यानी कि तफ्तीश जब से पार हो जाएगा ना यानी कि समझ लो कि हम रियाद के लिए एंटर कर रहे हैं। फ्रेंड्स रियाद को आने के बाद है ना घर आया, घर आने के बाद सामान उतार दिया, अब फिर अपने घर गया, खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर है ना मेरे को बहुत नींद आ रही थी, फिर मैं सो गया थोड़ी देर यानी कि एक घंटा सोया। फिर मैडम का कॉल आ गया, बोला कि मार्केट जाना है यानी कि रियाद पार्क जाना है बोल के। फिर मैं बोला ठीक है, फिर लेके आया हूँ अभी रियाद पार्क को। और इतनी ट्रैफिक है रियाद पार्क में, अभी अभी गेट के पास उतारा हूँ, एक नंबर गेट के पास अभी पार्किंग ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, पार्किंग मिल नहीं रही है पहली बात तो, क्यों बोले तो फुल ट्रैफिक है यहाँ पे। ये देखीजिए कितनी ट्रैफिक है फ्रेंड्स, सब गाड़ी है ना धीरे धीरे जा रही है और इतनी ट्रैफिक है। कल जो ये लोगों ने पार्टी की थी शायद आज पता नहीं अंदर क्या है, इतनी भीड़ जमी हुई है। अभी अंदर जाने का भी मेरे को ये नहीं है, मूड नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ना रात भर सोया नहीं, एक ऊपर से मेरे को जुल्फी जाके आना पड़ा, इस वजह से ना मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो अभी मैं क्या करूंगा, जब तक मैडम नहीं आएगी तब तक है ना थोड़ा देखूंगा जहाँ पे सूरज की रोशनी ना पड़े वहां पे गाड़ी रोकने के बाद है ना थोड़ी देर सोने की कोशिश करूंगा, ताकि है ना मेरे को है ना सच में जब नींद पूरी नहीं होती है ना मेरे को सर दुखने लगता है मेरे को, इसीलिए अभी जो है ना सर दर्द स्टार्ट होने लगा है मेरे को। और आपके भाभी ने ये देखिए तेल लगा के ना थोड़ी मालिश की हुई थी क्योंकि थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, जब मैं घर से निकल रहा था थोड़ा तेल डाल के मालिश करके भेजे मेरे को। फिर भी है ना नींद नहीं होती है इंसान को है ना तो सर ये होता है दर्द होता है। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ से कब निकलती है पता नहीं। और अभी जो टाइम हो रहा है 4:52 हो रहे हैं, एक बार गाड़ी में आप लोगों को टाइम बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स 4:52 हो रहे हैं अभी। तो ठीक है फ्रेंड्स, जब मैडम निकलेगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स ये देखिए, अक्सर है ना पार्किंग पे इतनी पार्किंग नहीं होती है यानी कि इतनी गाड़ियां नहीं होती है। ये देखिए कितनी गाड़ियां हैं, यानी कि पब्लिक यहाँ पे गाड़ियां देख के अंदाजा लगा सकते हैं आपकी अंदर कितनी पब्लिक होगी। और पब्लिक देखिए कितनी आ रही है, वहां पे तो फुल जाम है। एक नंबर गेट के पास से मैं आया वहां तो फुल जाम था, और देखिए वहां पे जो जा रही हैं गाड़ियां धीरे धीरे जा रही हैं, फुल जाम लगा हुआ था। मैं धीरे धीरे लेके आके ना एक जगह पार्किंग मिली हुई है यहाँ पे लेके आके रोका हूँ साइड में। आप लोगों को है ना पार्किंग एरिया दिखाने के लिए है ना मैं गाड़ी के जो डोर होता है ना डोर के ऊपर खड़ के आपको दिखा रहा हूँ पार्किंग का एरिया। और ये देखिए यहाँ से भी है ना फुल पुलिस की गाड़ियाँ ना रुकी हुई हैं, हर जगह पुलिस की गाड़ी है, क्योंकि है ना ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से हर जगह पुलिस, यानी कि उस तरफ मैं आया था वहाँ पे 4 गाड़ियाँ रुकी थी और यहाँ पे सामने ही एक गाड़ी रुकी, उसके सामने एक ब्लैक गाड़ी रुकी हुई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना एक मरूर की गाड़ी खड़ी हुई है, और थोड़ा उस तरफ है ना वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है। हर जगह है ना पुलिस की गाड़ियाँ बहुत है यहाँ पे, शायद भीड़ ज़्यादा होने की वजह से शायद होगी। और कल रात में तो इतनी ट्रैफिक थी, मैं कितने बजे जाके पहुँचा, लगभग 2:30 या 3 बजे घर पे जाके पहुँचा।
अगर आप लोग है ना वो वीडियो नहीं देख पाए कल की, यानी कि जो मैं यौमल वतनी यहाँ के जो नेशनल डे है उसकी वीडियो अगर आप नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी है ना आई बटन में भी वो लगा दूंगा, और जब लास्ट में मेरी ये वीडियो एंड होगी वहाँ पे भी आप लोगों को नज़र आ जाएगी। तो चलिए अभी देखते हैं कि मैडम कब आती है। थोड़ा है ना मैं यहाँ पे बैठ के है ना मेरा गर्दन दुख रहा है, तो मैडम आने का अभी इंतज़ार करते हैं, फिर आने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ से टाइम बताने के बाद निकलता हूँ। फ्रेंड्स अभी मैडम का कॉल आ चुका है और अभी जो टाइम हो रहा है 6:03 हो रहे हैं, और अभी का व्यू कैसा दिखता है एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा नाइट का व्यू कैसा दिखता है, देखीजिए पूरे लाइटें जल चुकी हैं, और ये देखीजिए माशाल्लाह, और रियाद पार्क की जो है लाइटिंग भी शुरू हो चुकी है, और ट्रैफिक है ना अभी तक ऐसे ही जम रही है, अभी ट्रैफिक कुछ कम नहीं हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैडम को लेके निकलते हैं अभी। फ्रेंड्स नाइट का जो व्यू होता है ना जबरदस्त होता है, ये देखिए लाइटिंग अभी जल रही है तो कितनी खूबसूरत नजर आ रहा है यहाँ पे ना। जैसे नाइट होती है तो यहाँ पे ना ऊपर जो है आप लोगों के दिख रहा होगा छोटी छोटी लाइट जलती हैं, तो कितनी खूबसूरत दिखती हैं देखिएगा। और यहाँ पे ट्रैफिक होने की वजह से सर्क्यूटरी जो है आके बोल रहा है कि यहाँ पे अभी जाम हो रहा है, तो उधर उस साइड में चले जाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं आ गया हूँ एक नंबर गेट के पास। फ्रेंड्स मैडम को लेके आके घर पे छोड़ दिया, अभी आया हूँ मैं अपने घर पे। अभी है ना पहले कमेंट्स के ऊपर नजर डालते हैं। टोटल 4, जोया बहुत क्यूट लग रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा व्लॉग। बहुत बहुत शुक्रिया भाई दिल से। जोया है ना सच में उस दिन है ना यानी कि यौमुल वतनी के दिन बहुत ही प्यारी लग रही थी, यहाँ के सऊदी लोग भी है ना गाड़ी में से उतर के इसको प्यार कर रहे थे। हसन शेख बस का व्लॉग लाजमी बनाना भाई। इंशाल्लाह भाई जरूर बनाऊंगा। ये जो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो शायद बुध के दिन ये वीडियो आएगी आपके लिए, और आपके भाभी यानी कि जुमेरात की रात को जाएंगे यानी कि जुम्मा के दिन जाएंगे, तो उसी व्लॉग खत्म होने के बाद इंशाल्लाह बस का व्लॉग आपके लिए बनाऊंगा मैं। कायनात व्लॉग ऑफिशियल माशाल्लाह, पूरे व्लॉग में अगर कोई चीज देखने वाली थे वो है जोयू, माशाल्लाह अगेन लुकिंग लवली, आपके क्वालिफिकेशन क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया कायना जी। जोया जो है ना सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से ये कमेंट्स करने के लिए प्यारा सा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4वीं पास हूँ। 4वीं पास है लेकिन नॉलेज जितना है कि तुम्हारे दिमाग में पढ़ गया आपके सामने कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह देखीजिए मैं इधर उधर से थोड़े बहुत मैसेज पढ़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, और जो कुछ भी सीखा है मैंने यानी कि थोड़ा बहुत इधर उधर से ही सीखा है, और स्कूल में बचपन में जा नहीं पाया, थोड़े प्रॉब्लम्स है घर में इस वजह से जा नहीं पाया था तब। यूजर GX4 भाभी का जाना कैंसिल हो गया, अब आप रिप्ले नहीं देते क्यों? टिकट कैंसिल हुई वो भी नहीं बताते। भाई उस दिन टिकट एक्चुअली कैंसिल नहीं हुई थी, आपके भाभी ने ना मेरे बाल कट कर दिए थे, उसका है ना मैं सोच रहा था क्या करना है इनका, मैं कुछ ना कुछ करना चाहता था ये जाने से पहले, तो मैंने सोचा कर लिया ना, सुकून मिला ना। नहीं नहीं रुको, तो इसीलिए ना मैं सोच रहा था कि इनके ऊपर एक प्रैंक बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत जाने के लिए उछल रहे थे इसीलिए सोचा कि इनके ऊपर प्रैंक बनाते हैं। और इनकी जो टिकट है जुमेरात यानी कि 29 सितंबर की इनकी टिकट है, यानी कि जुम्मा की सुबह में 4 बजे इनकी फ्लाइट है, तो इंशाल्लाह इनको जब लेके जाऊंगा कैसे मैं इनका बोर्डिंग करके इनको विदा करूंगा ये सब मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताऊंगा। और एक बात फ्रेंड्स, मेरे को है ना 2-3 दिन से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, जब से इनके टिकट हाथ में आई है ना तो बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा है, जब भी खाना खाता हूँ खाना भी नहीं जाता है अलग से, ऐसा हो रहा है। तो चलिए इंशाल्लाह देखते हैं, अगर आप लोग यौमुल वतनी की वीडियो नहीं देखे होंगे तो लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे यौमुल वतनी की वीडियो आ रही होंगी उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह चलिए इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, आपका और आपके फैमिली का तब तक अच्छे से ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।